क्या आपको पता है कि कांग्रेस ने गुजरात में हिंदुत्व का चोला पूरी तरह से उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी अब खुलकर कहने लगी है कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो वो मुस्लिम ही है। और याद रखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि इस देश के संसाधनों पर अगर किसी का पहला हक है तो वो मुस्लिम ही है, याद है ना आपको। और जो काम कांग्रेस गुजरात में ढोल नगाड़ों के साथ कर रही है, वही काम आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जी की पार्टी जलेबी बनाकर कर रही है, यानी नाक को सीधे हाथ से पकड़ने की जगह घुमाकर पकड़ रही है। और मतलब केजरीवाल जी को ये लगता है कि अगर मुस्लिमों के वोट पाने हैं तो हिंदुत्व को बदनाम करते रहो, उसे अपमानित करते रहो, ये केजरीवाल जी को लगता है। और तभी जाकर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये दोनों पार्टियां ऐसा क्यों कर रही हैं, इनके मन में ऐसा क्या है कि वो मुस्लिम वोटरों को पा लेना चाहती है, कोई एक राज है ये समझ लीजिए। और वो भी उस राज्य में जहां ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, और ओवैसी का ताल ठोकना मतलब आप समझ सकते हैं ना, इसकी भी कहानी मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी दिलचस्प कहानी होगी जिसके जरिए आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ मुस्लिम वोटरों के लिए, जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, उस राज्य में सिर्फ मुस्लिम वोटरों के लिए कांग्रेस और केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ क्यों मर मिटने पर उतारू हो गए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल गुजरात चुनाव को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। क्या आपको पता है कि गुजरात में मुस्लिमों की आबादी कितनी है? सिर्फ 9% आबादी है। और उसमें भी जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो गुजरात चुनाव का जिन्होंने एनालिसिस किया है, वो ये कहते हैं कि इस चुनाव में तो जो मुस्लिमों का वोट है वो इररेलेवेंट हो गया, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। अब इस एनालिसिस के डेप्थ में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों ने ये दिखाया है कि कैसे जब से मोदी राज आया तब से ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, मतलब मुस्लिम वोटरों का जो रेलेवेंस है वो कैसे ख़त्म हो गया है। लेकिन इसके बाद भी गुजरात चुनाव में आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस और केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण पर खुलकर उतारू हो गए। और एक बात याद रखिए, गुजरात में जानते हैं हिंदू वोटर्स कितने हैं? 88% हैं। और उसके बाद भी हिंदू वोटरों को अपमानित करना या उसकी खिल्ली उड़ाना या ऐसी बात कहना जिससे वो नाराज हो जाएं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसकी भी एक खास वजह है, ये वजह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ दिखाना ज़रूरी है। बहुत सारे चैनलों ने दिखाया नहीं, छिटपुट कहीं दिखा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। सिद्धपुर से, गुजरात के सिद्धपुर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चंदन ठाकुर, उन्होंने तुष्टीकरण के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, खुल्लम खुल्ला मुस्लिमों के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और जानते हैं क्या कहा है? इस देश को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मुस्लिम ही है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस को भी मुस्लिम ही बचा सकते हैं, ये स्थिति है। अब उनका एक छोटा सा बयान पहले आप सुन लीजिए। देश ने मात्र ने मात्र बचाई सके तो मुस्लिम समाज बचाई सके, अने देश कांग्रेस पार्टी ने जो कोई बचाई सके तो मुस्लिम पार्टी बचाई सके, सुन लिया आपने। और चंदन ठाकुर ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने ये भी कहा कि एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए कि इसके लिए केवल गांधी परिवार ही सड़कों पर उतरा। अब सोचिए कि सीएए के लिए किसे उसमें मदद मिल रही थी? पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को, मतलब पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू सिख बौद्ध, इन लोगों को मिल रही थी। लेकिन ये जनाब इसके लिए भी ताल ठोक रहे हैं, सुन लीजिए। एनआरसी ना मुद्दा पर मारी सोनिया गांधी, मारो राहुल गांधी अने मारी प्रियंका गांधी रोड पर आई। अच्छा, गुजरात में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए 3 तलाक का भी मुद्दा उठाया। अब 3 तलाक का मुद्दा क्या है? महिलाओं के सशक्तिकरण का है ना, लेकिन कट्टरपंथियों को खुश करना था। तो जनाब ने ये भी कहा, और ये भी कहा कि मुस्लिमों के लिए जो हज का पैसा देती थी ना सरकार, वो कांग्रेस ने दिया था। आप ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस की सरकार में तुमने हज जवा माटे कमेटी ना पैसा मिलता था, हज जवा माटे तुमने सब्सिडी मिलती थी,
હજની સબસીડી આ લોકોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કુપટ નીતિના કારણે તમારી હજની સબસીડી પણ રદ કરી. वहीं कांग्रेस के एक विधायक इंद्रजीत परमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो फिर विधायक बने तो हिंदू क्षेत्र में किसी भी डिस्पेंसरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये तो कांग्रेस की बात हुई दोस्तों, जो खुल्लम खुल्ला उतर आई है, लेकिन केजरीवाल ने कोई दूसरा तरीका अपनाया। उसने सीधे मुस्लिमों की बात नहीं की, बल्कि वो हिंदू मतदाताओं को अपमानित करने का तरीका अपनाया। और आपको याद होगा कि दिल्ली में किस तरीके से अपने ही मंत्री से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली शपथ दिलवाई। एक छोटा सा हिस्सा सुनना चाहेंगे आप? सुन लीजिए, याद करना जरूरी है, बार बार इस विजुअल को दिमाग में रखना जरूरी है। सुन लीजिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। अब दिल्ली के बाद यही काम केजरीवाल ने गुजरात में अपने प्रदेश अध्यक्ष से करवाया। मंदिरों को लेकर अब शब्द कहलवाए। आप देख लीजिए क्या कहा था, मंदिर कथा में जाने वाली महिलाओं को अब आगे की बात कहने का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। अब असली सवाल का जवाब कि आखिर केजरीवाल या कांग्रेस ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तुष्टिकरण पर उतारू हो गई है, वो भी उस राज्य में जहां सिर्फ 9-10% वोटर हैं और अधिकांश तो हिंदू वोटर हैं, तब क्यों कर रही है? तो इसकी वजह भी आपको बताता हूं। इसकी वजह ये है दोस्तों कि जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं, आप देखते चले जाइएगा, मैं कुछ सर्वे दिखा रहा हूं। एबीपी, क्या गुजरात चुनाव में इस बार बीजेपी तोड़ पाएगी अपना ही रिकॉर्ड, सर्वे में सामने आए ये नतीजे। मतलब इसका ये हुआ कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली, सारे रिकॉर्ड, ये समझ जाइए। ये दूसरा सर्वे भी आप देख लीजिए, उसमें भी यही लिखा है। मतलब जितने भी सर्वे हैं, सर्वे को लेकर मैं आपको दिखा चुका हूं, इसलिए डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक ट्वीट की चर्चा जरूर करूंगा। राजदीप सरदेसाई, आप देखिए इन्होंने क्या लिखा, बेहद काम का है, इसमें बहुत इशारों में ये बात कही गई, आप देख लीजिए। अनदर गुजरात इलेक्शन जर्नी स्टार्ट्स 32 ईयर्स आफ्टर फर्स्ट वन, 32 साल के बाद, फ्रॉम मोरबी एंड स्पॉट वेयर ब्रिज ट्रेजडी टुक प्लेस ऑन अक्टूबर 30, 4 weeks लेटर, मोस्ट रेजिडेंट्स टेल मी दैट ब्रिज कॉलेप्स इज नॉट एन इलेक्शन इशू, ट्रेजडी को चुनाव से मत जोड़ो। राजदीप ने यह लिखा है, पहले तो अपना अनुभव बताया कि 32 साल पहले भी उन्होंने किया था और उस मोरबी में पहुंचे जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ था, और सिर्फ 4 हफ्ते की बात है, जब उन्होंने वहां के लोगों से पूछा तो बोला भैया मोरबी को चुनाव से मत जोड़ो, चुनाव तो अलग चीज है, चुनाव तो हम 27 साल पे लड़ रहे हैं, मतलब ये है, और 27 साल का काम मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। तो इशारों ही इशारों में राजदीप ने भी बड़ी बात कह दी है। जाहिर है दोस्तों, जब इतनी सारी चीजें आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बद से बदतर हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन केजरीवाल इस समय एक नई चाल चल रहे हैं, और गुजरात में जहां भी जा रहे हैं ना, जानते हैं क्या कहते हैं वो, गुजरात के लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देने से बर्बाद हो जाएगा। वो कांग्रेस जो पिछली बार सरकार बना रही थी, इतना अच्छा मत लेकर आई थी, उसके बारे में कह रहे हैं केजरीवाल जी, भ्रमित करने के लिए। और जब से उनके वादों पर, मतलब केजरीवाल के वादों पर लोगों का भरोसा घट गया है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, तो उन्होंने एक नई नौटंकी शुरू की, लिख कर दे रहे हैं हर जगह। याद है ना, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और आप देखिएगा कागज कलम, अच्छा पत्रकार भी कागज कलम लेके पहुंचे होते हैं, मेरे को भी लिख के दीजिए, गजब की नौटंकी है दोस्तों। और वो लिख कर ये दे रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार 5 सीट भी नहीं मिलेगी, 5 सीट भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक असलियत अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो सबसे छिपा लिया गया, किसी के पास पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा, और सच्चाई क्या है पहले आप इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। पिछले गुजरात चुनाव में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पिछले गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, सभी उम्मीदवारों की, और उन्हें जानते कितना वोट मिला था, यह भी जानना दिलचस्प होगा।
उसे नोटा से भी, पूरे गुजरात में नोटा से भी कम मत मिला था। और कितना मत मिला था ये भी देख लीजिए, उनके सभी उम्मीदवारों को 29,517 वोट मिले थे, सभी उम्मीदवारों को, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और नोटा को कितना मिला था, 75,880 वोट मिले थे। तो ये है असलियत। कोई बताया क्या आपको? कोई बताएगा ही नहीं, वो दूसरी दुनिया में है, बस एड का चल रहा है। और अब आपको मैं एक लेटेस्ट विजुअल दिखाता हूं। अभी तक तो आपने देखा कि जहां सिसोदिया और केजरीवाल जी जा रहे हैं वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। अभी क्या हुआ कि सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है और वो लोग वो प्रचार करने पहुंचे तो पूरा का पूरा मार्केट, पूरा मॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा और इन लोगों को वहां से भागना पड़ा। एक हल्का सा एम्बियंस के तौर पे आप विजुअल देख लीजिए। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा आज भी गुजरात में कायम है। लेकिन प्रचार के मामले में, अगर प्रचार की बात करूं तो मैं ये मानता हूं और आपको भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पर केजरीवाल जी भारी पड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस को भी जमानत जब्त होने का एक खतरा तो दिख रहा है, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनने का भी खतरा दिख रहा है। और ऐसे में कांग्रेस और केजरीवाल की यही कोशिश है कि जितना अधिक से अधिक मुस्लिम वोटर उनके साथ जुड़ जाएं तो उनके लिए फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि कम से कम जमानत जब्त होने का जो रिकॉर्ड बन रहा है ना, पिछली बार बना था, वो इन दोनों में से किसी के खाते में ना आए। मतलब दोनों इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसकी जमानत ज़्यादा जब्त होगी, किसको नोटा से अधिक वोट मिलेगा, इसकी लड़ाई हो रही है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए और जब नतीजे आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये उस राज्य में जहां मुस्लिमों की आबादी सिर्फ 9% है वहां वो हिंदुत्व को भी अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, भारत की राजनीति एक नई करवट ले रही है। जब ये सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जिसकी चर्चा कर रहा हूं, ये मोदी को बदनाम करने में नाकाम हो चुकी हैं, जब ये देश को अराजकता की ओर धकेलने में नाकाम हो चुकी हैं, तब ये पार्टियां और इनके नेता साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति को अपनाने में लगे हैं। अब इनका मकसद, आप ध्यान से सुनिएगा, अब इनका मकसद सत्ता पाना नहीं है, बल्कि इनका मकसद मोदी की जड़ों को हिलाना है। क्योंकि इनको पता है कि अगर मोदी की जड़ों को हिला दिया तो फिर उन्हें सत्ता से बेदखल करने में भी देर नहीं लगेगी, और जब वो हट जाएंगे तो अपने आप ये सत्ता में आ जाएंगे। और यही इनकी कोशिश है, यही इनकी रणनीति है, यही इनकी साजिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।